जैसे कि कल या परसों दो तीन दिन हो गए रिक्वेस्ट आ गया आप मन के कि दीदी अभी सीजन चला थी गलका के, नेनुआ के, डोलका के, जो भी नाम से आप मन है जानते हो, तो ओकर रेसिपी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध है चना दाल के संग में, तो ओला बनाए के तरीका बता आप अपन तरीका से सीखे। तो आज मैं अपन पर लेके आऊँ हूँ बिल्कुल नेनुआ के साग, वो भी चना दाल भी एकदम छत्तीसगढ़िया तरीका से। तो ये देखो संगवारी हो, बहुत जन मन नहीं जानत हुई तो देख सकता हो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो एला गलका कहते हैं, आप मन हाँ गलका डोड़का जो भी नाम से आप मन हाँ जानत हो, बहुत जगह में एला नेनुआ भी कहे जाते। तो एक जो साग बनते ना छत्तीसगढ़ी तरीका से बहुत स्वादिष्ट बनते चना दाल के संग में, तो आज मैं यहाँ बिल्कुल वही तरीका आप मन। तो चलो संगवारी हो देखो कैसे मैं साग बनाता हूँ बहुत ही आसान तरीका से एकदम स्वादिष्ट। अगर वीडियो आप मन अच्छा लगते तो लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी नवा चैनल सब्सक्राइब करेगा जन भूला। तो चलो शुरू करते हैं, एला कैसे काटना है छिलना है सब चीज़ आप मन मैं बताता हूँ। तो संगवारी हो आज आए मोर एक जन सब्सक्राइबर रिंकी शर्मा के जन्मदिन, तो रिंकी तोला जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हो बेटा, हमेशा खुश रहा और जो भी ते चाहत सो सब चीज़ तोल मिले। और एक जन मोर मुकु शर्मा सहेली है और मोर सब्सक्राइबर ही हरे ओहा, तेकर एनिवर्सरी रही से फरसो मैं भूल गए रहे हूँ। तो बहनी मोर डाला तोला शादी के सालगिरह के बहुत बहुत बधाई, और बाद में तोला विश करत हूँ एक बार मोर माफ भी कर देवे। और एक जन है मोर मुकेश भाई, तेकर भी शादी के सालगिरह रही से वहूला बहुत बहुत बधाई हो शादी के सालगिरह के। तो ये देखो संगवारी हो एक आराम में छीन ले हूँ, और ये मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करत रही सवे तो मैं यहाँ विश कर दे हूँ। और ये देखो संगवारी हो एक आरा छीन लेना है, और ऐसे में यहाँ काटता हूँ, आप मन कौन तरीका से काटता हूँ वही तरीका से आप मन बिल्कुल काट सकते हो। तो मैं हेला बढ़िया से छिले के बाद में लंबा लंबा टुकड़ा में काट लेता हूँ, और ऐसे फिर मैं यहाँ पतला पतला काट देता हूँ। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है संगवारी हो, काबर के यहाँ थोड़ा नरम होते और आसानी से गल जाते, पके में कोई भी दिक्कत नहीं आए। और हमला जब भी खरीदना है डोर का गल का, तो देख के खरीदना है कि चर्रायत नहीं है और एकदम बढ़िया नरम है ना, इसे के देख के ही खरीदना रही थे। कब जब ये जुड़ जाते ना तो एकदम रेशा रेशा हो जाते संगवारी हो, और खाए में बिल्कुल मज़ा नहीं आए। तो देख सकते हो आप मन हाँ छत्तीसगढ़ के शान हरे, हमारे छत्तीसगढ़ में तो प्राय हर घर में साग बनते और सबला पसंद खलोक आते। और एक जन संगवारी मोर पूछे रही से कि दीदी तुम्हारे छत्तीसगढ़ में हर साग भाजी में अधिकतर चना के दार काबर डालते, इसे कह के तो चना के दार डाले से एक स्वाद बढ़ जाते संगवारी हो, कोई भी भाजी पाला में होए या डोरका तोरई या फिर लौकी में होए चना दार डाल के बना पीना तो बहुत अच्छा स्वाद आते। आप मन भी जीवन है नहीं बना हो कभू ना वहूँ मन ट्राई करके देखो संगवारी हो। तो एक सबोला मैं काट ले हूँ, अवेला में धो के रख लेता हूँ। धो के रखे के बाद में मैं एक मोर माटी के कड़ाही ला चढ़ा दे हूँ गैस में। अब आप मन सोचो कि गैस में काबर, मोला कई जन सब्सक्राइबर मन पूछे कि दीदी माटी के बर्तन में का गैस में बना सकता है, तो वही ला मैं आप मन ला दिखाए बर गैस में बता दूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ संगवारी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन हाँ बाहर में रही थे, कई जन मन हाँ दिल्ली में है, मुंबई में है, विदेश में भी है, तब बहुत जन के मोर का कमेंट आते और मन पूछते कि दीदी का एला हमन हाँ बना सकथन गैस में, तो बिल्कुल आप मन हाँ देखो यही तरीका से बना सकता हो, कोई फूटे उठे के डर नहीं रहा है। पर आप मन एक बात के ध्यान रखना है कि जब भी माटी के बर्तन लाऊँ ना ओला पानी में आप मन डुबा के रखना है 2 से 3 घंटा कम से कम। तो तेल एक गर्म हो से लहसुन लाल मिर्ची और हरियर मिर्ची डाल के मैं अच्छा से भून दे हूँ। और ये देखो संगवारी हो एला अच्छा से हमला भूंजना है। और आप मन एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हाँ माटी के बर्तन में पके हुए खाना के स्वाद ना बहुत ज़्यादा बढ़िया आते संगवारी हो, ओकर अंदर एक अलग से महक होते, सौंधी सौंधी से एक स्वाद होते संगवारी हो, जो खाए में बहुत ही अच्छा लगते। तो एक आरा हमार बढ़िया से भुंजा जी लहसुन हा मिर्चा हा, तेकर बाद हम डाल देबो प्याज ला। और आप मला एक फ़ायदा भी है माटी के बर्तन में खाना बनाया से कि आपके खाना जले नहीं, बहुत बढ़िया से हा पक ही और बिल्कुल भी नीचे से चिपके नहीं ज़्यादा। और संगवारी हो बहुत समय तक के गर्म भी रही थी, अगर आप ठंडा के दिन में बारिश के दिन में बनाते हो ना आपके साग भाजी है बहुत टाइम तक के गर्म रही। तो एक अरा संगवारी हो प्याज ला डाल के मैं बढ़िया से भूंज देता हूँ। और आप मतलब पता है कि पहले हमारे दादी नानी मन हाँ बिल्कुल ही तरीका से माटी के बर्तन में बनाए, माटी के में भात बनाए, साग बनाए, दार बनाए, सब ही चले। पर आजकल विलुप्त हो गए संगवारी हो बहुत जन मन हाँ, पर आज भी गांव एरिया में या फिर शहर में ऐसे ही जीवन माटी के बर्तन के प्रयोग जरूर से करते और करना भी चाहिए। तो ये देखो संगवारी हो एला बढ़िया से मैं यहाँ भूंज लेता हूँ। और गलकम संगवारी हो जीरा नहीं डाले तो एक स्वाद कहाँ लाई है ना, जीरा के स्वाद बहुत बढ़िया आते में। तो मैं जीरा ला किनारे में रख के भुला गए रहूँ, तो ये देखो तेल गर्म है ना, तो प्याज ला साइड करके मैं यहाँ डाल देता हूँ। शुरू में ही आप मन ला जीरा डाल देना है। तो ये देखो जीरा है तला जी संगवारी हो, कोई दिक्कत नहीं काबर की तेल है गर्म है, अभी किनारे में डाल दे हूँ मैं यहाँ, तो आराम से है तला जी।
जैसे हमारे प्याज है आधा भुंजे से देखा आप मन है कर कलर बिल्कुल बदल गए कर रंग हा, वैसे हमन इम डाल देबो चना के दाल ला। चना के दाल ला डाले के बाद में बढ़िया से हमला भूंजना है संगवारियों, कम से कम 5 मिनट आप मनला भूंजना पड़ी। और 5 मिनट के बाद देखो कि चना के दाल एकदम बढ़िया से भूंजा आ जाही, तब बस इला हमला चलाते हुए भूंजना है। तो 5 मिनट बाद देखो संगवारी हो हमारे चना के दार है एकदम बढ़िया रंग आ गए है, मतलब हमारे दार है भुंजा आ गए है। बस यही कर हमला डाल देना है गलका ला, अवेला में धो के रख ले रहा हूँ संगवारी हो। अवेला डाले के बाद में अच्छा से कलछुल में खो देना है। और यह अपने पानी में चूरते संगवारी हो, इमें कोई भी अलग से आप मतलब पानी डाले की जरूरत कम्बोज नहीं पड़े, काबर की गलका के अंदर में अतिक पानी रही थी कि यह खुद ही बहुत सारा पानी छोड़ दे थी। तभी आप मन देखो कत्ते ककन पानी यहाँ छोड़ दे ही। तो ये 4 से 5 मिनट मेल भूंजे हो संगवारी हो, एक अंदर से पानी निकलना चालू हो गई है। बस यही करा मैं डाल दूँ टमाटर ला, एक टमाटर ला मैं यहाँ डाल के ढाक दूँ बढ़िया से। और एक मेले हो 3 ठन टमाटर, और टमाटर ला ढाके के बाद में ऊपर में हम बाकी के मसाला मल्ला डाल देबो, जैसे कि होगी नमक स्वाद के हिसाब से, जत का भी आप मल्ला नून चाहिए स्वाद ओकर हिसाब से आप मल्ला डालना है, काबर की गल का पोछा केक कन होते तो नमक के ध्यान आप मल्ला जरूर से रखे लगी। एक हल्दी पाउडर और एक लाल मिर्ची के पाउडर, आप मन मिर्ची अपन हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, मोला जत का पसंद है या जत का मोर घर में खाते ओकर हिसाब से मैं एक डाले हूँ। तो अब ये ढाक देथन 2 से 3 मिनट बर, 2 से 3 मिनट के बाद में आप मन देखो संगवारी हो किनारे किनारे में बिकट अकन पानी आगे रही। और देखो आप मन ओकर बाद एला हमला बढ़िया से खो देना है, यानी कि मसाला ला साग सन मिला देना है। और एला हमला तब तक पकाना है जब तक कि हमार गलका हा बढ़िया से गल नहीं जही, हमार टमाटर है बढ़िया से गल नहीं जही, सबो मसाला है साग में बढ़िया से मिल नहीं जही, तब तक के हमला एकदम बढ़िया से ला पकाना है। तो देख सकता हो आप मन हा थोड़ा समय के बाद में कतेक बढ़िया से हमार गलका के रंग दिखा थे। टमाटर है एकदम पिछ पिछला गल गए संगवारी हो, गलका तको गल गए आप मतलब देखे से ही पता चलत हो ही। सही में संगवारी हो ये साग बिकट मीठा थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। और मैं तो ये तरीका से बनाता हूँ, और आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन कौन तरीका से बनाता हो मोला कमेंट बॉक्स में बताओ जरूर। तब बस संगवारी हो ये बस उतारे फुर्तन हो गए हैं, एला में उतार लेता हूँ फिर आप मला दिखाता हूँ। और एकदम हमारे स्वादिष्ट साग बन के हो गए तैयार, एकदम हमारे छत्तीसगढ़िया तरीका में देख सकता हो आप मन। तो देखो संगवारी हो हमार चना दाल और गलका के साग बन के हो गए तैयार, वो भी बहुत आसान तरीका से। तो कैसे लगे आप मल हमार आज की वीडियो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, काबर की ये वीडियो आप मन के रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं से देकर सती जरूर से एला बना के देखूँ। और कैसे लगे आप मन का स्वाद है मोर सन जरूर से शेयर करूँ अपन अनुभव ला। और एला अगर आप मन माटी के बर्तन में बनाते हो ना तो अलग से एक स्वाद आते संगवारी हो माटी के महक आते। तो चलो फिर मिलते हूँ आप मन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग, तब तक नमस्कार।